पटेल जी मान गए। अजी सुनो, अरे अरे रुक जा डट जा। जिस चीज की आप डिमांड कर रहे हो मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। अबे जबा तो आ मैं ओ थे अबे अब थे और मैं अबे जबा आपा दोनी ओहो समझ गई। अबे थाने प्यास लग रही है पानी पाऊं। जबा अरे तो सही से समझाओ ना। अबे आ मैं ओ थे अबे अब आपा दोनी आपा दोनी पहली रो देता भाई था ना भूख लग रही है रोटी खाऊं। ए बाप रे ओ हाँ ये आ बजा हाँ आ बजा अब ओ देखा ओ ओ आ आ हाँ ओगो ओ ओ मा ओम्बा ये तो बड़ी सीधी बात है। अब भाई थे मेरा भाई बड़ वो चाह रहा है और राखी बंधू कही है। अब देवा हाँ हाँ अब हाँ ओ ओ आ अब कही है। अरे तो थे तो फट गया। अब 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 आया ओ ओ ओ ओ आ अब अब तुझे
अरे मने मने महाबा हाँ, अब मेरी बात सुन लियो। मैं समझ गई भाई थाने का ही चारों से बताती हूँ। बताती हूँ थे मारे सू शादी करवो जा रहा सो अठारह राज्य में तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती ना। अब गूंगा हो बोल नहीं सकते था सु बढ़िया तो और लाल मुंडा को छोको खड़ो जी भाई खड़ो जी ए भैया आया हूँ आया भैया आया आया हूँ उठी घूम जो खड़ा जो उधर घूमना आ जाएगा आ जाएगा ओ सही है कम से कम बोले को तो सही ऐसा कुछ भी नहीं है उसके साथ में बहुत सज्जन आदमी है अतिसी शादी अतिसी हुई आकर है अतिसी का ही बाल के बराबर भी कौन करूं नहीं हवा ना तू एक बार हाथ तो कर मैं सारा काम करूंगा ते बोल सको अरे मतलब सारा काम करो मतलब चेक कर रहे मैं कहता हूं भाई गांव में गुंगा छोरा की भी कोई वैल्यू है को नहीं अच्छा मेरी बात सुनो आप बोल सकते हो हां बोल सकता हूं सारा काम कर लियो और देखो थे वादा के मुताबिक पूरी जनता के सामने एक बात कही थी कि बोले थे जो मांगोला वो देवा ने तैयार सु मैं हां तो दूंगी ना तो मैं मांग लियो हमारे शादी करो लेकिन मेरी बात सुनो हां जी शादी से पहले नाम पता होनी चाहिए मतलब एक दूसरा को इंट्रोडक्शन हां तो तू तेरो बता दे मैं मेरो बता दूंगा अच्छा पहले मैं बताऊं हां सुनेगा हां सुनाओ सुनो ओ मेरा नाम है चमेली मैं हूँ मालणी अली बेली चली आई हूँ अकेली जयपुर शहर से चली आई है अकेली जयपुर शहर से अरे तेरा कहीं बताया तेरा नाम है चमेली हाँ मेरा नाम है चमेली तो मेरा नाम भी सुन ले सुनाओ अरे मेरा नाम है धतूरा है हाँ और भी कोई नाम है चमेली होवे चंडा धतूरो भी होवे अच्छा आगे अब सुन ले अरे मेरा नाम है धतूरा मैं हूँ आशाराम का चेला अच्छा चला आया हूँ मैं सीधा सेंटर जेल से चला आया हूँ मैं सीधा सेंटर जेल से अरे मेरा नाम है करेला आशाराम का चेला चला आया हूँ अकेला जेल से चला आया हूँ अकेला सेंट्रल जेल से मेरे पास में संतरे हाँ मेरे पास भी है मेरे पास संतरे तो मेरे पास में बड़े बड़े क्या छिलके खाने वाले प्रोडक्ट छिलका केला 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 हाँ मेरे पास नींबू मेरे पास में भी है कहीं मुड़ो अच्छा एक खास चीज और है मेरे पास में बता दू हाँ बता बैंगन पोती नो बैंगन पोती नो पागल क्यूरी से जो बात हो जी नगर भाई राख कहती मत डोल काई की तेरी टोकरी में बैंगन पोती ना भी राख हाँ मैं बैंगन पोती नो राखू पर एक बात बताऊ हाँ जी मैं हूँ चमेली हाँ? और मैं अति बढ़िया हूँ हाँ? कि बाहर तो खुशबू महकती रहती है आप में खुशबू महकती हमारे में बदबू महकती है हाँ कम से कम नहीं हम भी और दूसरी चीज आड़ू ले वो काय कर काई आड़ू 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 गई होवे होवे नीचे आड़ू ठाको होता होगा आड़ू मेरे तो कोनो है अरे तुम्हारी टोकरी थोड़ी है माली बाबा रखते हैं आड़ू की सब्जी बेचते हैं नहीं हमें जो उपयोग में आती है वो सब्जी रखते हैं आ बता क्या चमेली बोली? को फूल चमेली का फूल किस किस चीज में काम आता है के में आता है भाई मैं तो मेरा को नहीं पता ही को नहीं बता कौन सा में आवे से पहली चीज तो उन्हें कौन सींचे माली होती कड़े रहे खेत में बाग में होती है माली बाबा सीतनी आता है हाँ। हम भी चिंता थे बताओ दत्तूरा जी थे कड़े पीता हुआ हम वहाँ पैदा होते हैं जहाँ गांव की सारी लोरते मिलकर के एक जगह कूड़ा डालती है उस कूड़े में मनचाहे झंडे खड़े हो जाते हैं अच्छा, रेवड़ी में और तुमको तो माली सीतनी आता है हाँ। और हमको आते हैं हमारे बड़े भाई साहब कौन कुकरा टांग उठा के कड़े मेहरबानी कर जाते हैं गंदे आदमी अब यह बताओ
ताका फूला को उपयोग काहे से है? मेरे फूल का उपयोग? चमेली जी आपका उपयोग कहाँ होता है? हम शंकर भगवान के चरणों में प्राप्त होते। चिंता मत करो माँ का तो तुरो माथा पर चढ़े चाहिए। मतलब गाइए था को बड़ा में इज्जत है तो छोटा ही रहेगा। अच्छा ये तो पावा में ही रहता, मैं तो माथा पर चढ़ा था शिवलिंग जी का ऊपरा दतूरो, अहियां दरताई भगवान राजी हो जाचे को हो दतूरो चढ़ा दियो मेरे। मतलब ते शंकर भगवान का माथा पर बैठो और हम चरणों में बैठते हैं। बिल्कुल पक्के भगत है क्योंकि थाकी औकात बंडई से। आज तक दुनिया में जितनी भी लुगाया पैदा हुई सब पावा में ही पड़ रहे थे, बाकी माथा पर तो बैठ बड़ो ही बैठे से। हेलो फिर भी हम ही बढ़िया था, दिमाग मत लगाओ। बताओ क्या जैसे ही आंखों खुलेंगी उनकी किसकी? आंखें त्रिनेत्र शिव जी की खुलेगी तो किसके ऊपर नजर पड़ेगी? लुगाया पे। हाँ मतलब वही बात चमेली पे चपरे दतुरा पे कौन पड़े? भगवान के मंदिर में शिव जी भगवान की तीसरा नेत्र खुलता है तो सामने ये नहीं देखता कि वो स्त्री है पुरुष है, सिर्फ देखा जाता है कि भगत कौन खड़ा है मेरे सामने। और भगत महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकते हैं क्योंकि लुगायों को तो वैसे ही टाइम नहीं होता। ज्यादातर भगवान शंकर की पूजा, अरे मेरे फूफा ही पौवा में काम आओगे सुहा दर ले 10:40 दे दीजिए उल्टा पूरा जाओ। धन्यवाद। हाँ मैं एक ही जो मेरा बाप के तेरे जोड़े आ जाऊं भाई भगवान की सब। चलो ठीक है था कि बात मान ली। हाँ जी थे सही हो। हाँ मैं सही हूँ। फिर भी शादी एक शर्त पे होगी। किस शर्त पे होगी? थे मारी जिया डांस कर लियो। बिल्कुल तू कहेगी जो करके दिखाऊं लो आज ही गांव का माई ने पूरी हाजीपुर नगरी के सामने एक दावा करता हूँ अगर ये मर्द तेरे से हार गया तो जिंदगी में जा कभी लुगाई के सामने खड़ा नहीं होऊंगा, पछाड़ी खड़ा होऊंगा। पक्की? अब मर्द चाहे पीछे खड़ा रहो चाहे आगे खड़ा रहो फायदा तो मर्द का ही होना है, कोई ना वो तो बार ठीक पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ जी गाना लगाओ जी हमारा एक, ये डांस का पता नहीं कौन सा गाना लगवा रही है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा लग भाई एक डांस हो जाए जब तक। लो दो थोड़ी सी बात करें थारे लुगाई आईडी देख जाओ चूतरा पंडी वेंडी लुगाई से बता रहे मेरी शक्ति, मेरी शक्ति आज डामाडोल है। हरी शक्ति कड़ा चूक से वो रही वारी देखो था का मर्दान से तो ऊपर बैठी मेरी शक्ति। अरे मेरी सुन ले तेरी शक्ति कड़ी जम कर दीजिए वो देखो ये माता बेना। हाँ तो छत पे भी कवर। हाँ नीचे जगह कौन वाली मोटियार ज्यादा है आज? मोटियार ज्यादा सु मतलब कौन है थासु ऊपर ही रे वहां में। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम औरतों में कितनी शक्ति है, एक बार जयकारा लगवा फिर मैं डांस करूंगा। जितनी भी माता बहने बैठी है हाँ। जो भी जगदम्बा महामाई को मानते हो सीधा सीधा हाथ निकाल ले जहां जहां बैठी है। जितनी भी जगदम्बा महामाई बैठी हुई अपनी अपनी जगह खड़ी हो जाओ। नहीं खड़ी नहीं हाथ निकाल लो एक बार माने भी तो ठीक पड़ेगी। यहाँ नारी शक्ति भी है ऊपर से छत पे बैठी है जत्ती और अटे सुबी अटी चपूतरा पे बैठी है जो भी और आवाज भी काट दीजिए मेरी मामा आओ बोलिए जगदम्बा महामाई की। आगे आगे भाई मान गई मैं राधिका जी दूर से आवाज आएगी बहुत बड़ी बात। राधिका जी हाँ जी हरी मिर्च को बढ़िया नहीं वो बेबी का हिसाब से पूछोगे तो चुप है। पूछ भाई पूछो कड़े से पूछोगे आगे से पूछे से मुंडा से पूछोगे और कड़े से पूछोगे? अरे वो तो पूछोगे तो आज तक दुनिया में जो भी पूछे जो मुंडा सुई चाटे पर वो कड़े सु कहीं करोगे पूछ ले एक बार उसे। बात कर भाई बात कर भाभी से। भाभी ऐसी बात ना करया करी तो फिर लुगाई से करे। आज मेरे पापा बैठे हो सर मैं ला कहां है पापा? ओ भाई मेरी बात सुने जो तू कर वो चाह रही है ने वो काम तेरे पापा कर चुके ऑलरेडी, टेंशन का की है यार। देवर भौजाई खड़ा हो साथ में और तेरो भाई आज तक तेरो भाई कोई सो दिलदार मिले हो तो खे जा खुली छूट से। मैं बात तेरी मान लूंगा मेरे पापो कर चुको काम ने। हाँ। लेकिन पापो भाभी के साथ ना करियो मेरा काका। तो भाभी भाई मेरी बात सुने। हाँ। पापा ने पूछियो कि पापो भाभी के सागे बिकी भाभी के सागे हुए हो ए थोड़ी है यार भाभी के साथ में हंसी मजाक तो करी है ना। हाँ, ये बात अरे तू यार एक ही जगह लेके जाएगा तू थारी सोच ही वहीं जावे हमेशा यार एक जगह तो नाक बकर कम से कम भाभी की बात वहां ऐसी भाभी मैं भी ना देखी देवर मना कर भाभी नु के साथ जा